लखनऊ की, जहां पर मेधज एस्ट्रो फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर त्रिपाठी की ओर से मेधज शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह में शहीद हुई पुलिस कर्मियों के परिवारों को सम्मानित किया गया, साथ ही आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की गई है। मुख्य अतिथि के तौर पर स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश शामिल हुए। इस दौरान शहीद पुलिस कर्मियों का परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मेधज फाउंडेशन की तरफ से दी गई है। बता दें कि 20 दिसंबर 2023 में मेरठ शहीद हरबीत सिंह के परिजनों को शौर्य सम्मान दिया गया। वहीं कन्नौज में शहीद सचिन राठी के पिता को 5,000 की आर्थिक सहायता मेधज फाउंडेशन की ओर से दी गई है। उसके लिए उन्होंने ऐसे शहीद के परिवारों को चुना, वो बधाई के पात्र हैं। मैं केवल इसीलिए आया हूं कि हमारे शहीद पुलिस कर्मी के परिवारी जन को एक उद्योगपति ने मदद की है, और ये इस तरह की चीजें हमारे जो पुलिस कर्मी हैं, हमारे जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनके लिए और उनके मोरल के लिए और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा एक प्रयास है। मेधज द्वारा इस समारोह को आयोजित किया गया, जो भी शहीद पुलिसकर्मी थे उनको याद करते हुए उनके परिवार को एक सहयोग राशि भी इनके द्वारा प्रदान की गई है, जो इन्होंने अपने CSR फंड से किया है। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ये जो शहीद हैं उनके परिवार को जो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा इत्यादि में जो समस्याएं आती हैं उसमें थोड़ी बहुत मदद इससे मिल सकेगी।